पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में अभी महानगर के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला थमा भी नहीं था कि अब कुछ छात्राओं ने गांधीनगर पब्लिक स्कूल प्रशासन पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ न्यायपीठ बाल कल्याण समिति से शिकायत की है। स्कूल के उत्पीड़न से परेशान छात्राओं ने बाल कल्याण समिति में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने फीस माफी की बात को लेकर उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया और कक्षा में फेल कर दिया। महानगर के कटघर थाना क्षेत्र दुर्गेश नगर में रहने वाली छात्रा श्रेया राघव पुत्री अमरीश कुमार राघव गांधीनगर पब्लिक स्कूल में 11वीं की छात्रा है। वहीं कटघर थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में रहने वाली अपूर्वा प्रजापति पुत्री रमेश कुमार प्रजापति भी गांधीनगर पब्लिक स्कूल में 11वीं की छात्रा। दोनों छात्राओं का आरोप है कि उन्होंने फीस माफी को लेकर डीएम से गुहार लगाई थी। डीएम के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने उनकी फीस को माफ करा दिया, मगर स्कूल प्रशासन ने फीस माफ कराने को लेकर उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया और कक्षा 11 में उन्हें फेल कर दिया गया। छात्राओं का आरोप है कि जब से उन्होंने फीस माफ कराई तब से स्कूल प्रशासन उनका उत्पीड़न कर रहा है। वहीं पागबड़ा थाना क्षेत्र के गांव उमरी सब्जीपुर में रहने वाली छात्रा माहिरा पुत्री शाने अली भी गांधीनगर पब्लिक स्कूल में 11वीं की छात्रा है। उसने भी स्कूल प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तीनों छात्राओं ने न्यायपीठ बाल कल्याण समिति में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। गांधीनगर पब्लिक स्कूल की तीनों छात्राएं हैं जो न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर विद्यालय पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। इनका कहना है कि हम कक्षा 6 से 15 मई तक हमने कक्षा 6 से विद्यालय में प्रवेश लिया था और हम लगातार पास होते आ रहे हैं और हमारे पिता ने ये हमारे जितने बच्चों के पिता हैं उन्होंने जो है स्कूल ने जो फीस माफ़ी की मांग की थी जिलाधिकारी महोदय से, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आदेश भी कर दिया गया था विद्यालय को। इसी बात से चिड़ होकर उन्होंने कक्षा 11 में अनुत्तीर्ण कर दिया और इनकी परीक्षा भी नहीं कराई गई है। और बता रहे हैं जिस दिन से हमने फीस माफ़ी की बात की है उसी दिन से उत्तीर्ण कर रहे हैं। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति अध्यक्ष गुलजार अहमद, सदस्य श्रीमती नीतू सक्सेना, सदस्य मिंदर सिंह, हम लोगों ने संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं।